मेरा परसेंटेज 97.8% है। बहुत ही मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरा 97.8% पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे मम्मी पापा को और टीचर्स को हुई जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आज जब मुझे रिजल्ट मिला तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, फिर टीचर्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो मैंने अभी CUET का फॉर्म भरा है BCom के लिए, और साथ ही मेरा CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का एम है। मेरा नाम तो शारघवंशी है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र था और मैंने कक्षा 10वीं में 98.2% प्राप्त किए हैं। कैसे आपने इतना बड़ा किया, इसके लिए किस तरह से तैयारी की, पढ़ाई कितना देर किया? जैसे ही हम लोग का स्कूल शुरू हुआ था मैंने उसी दिन से पहले दिन से अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दी थी, और मैं प्रतिदिन पढ़ता था और मैंने पढ़ाई कंसिस्टेंटली की थी और खेलकूद भी मैंने उसके साथ जारी रखा था। तो क्या पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया या फिर अच्छे से पढ़ाई? नहीं, जैसे सारे सब्जेक्ट्स में उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो मैंने उनको समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया था और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने पर्याप्त मात्रा में की थी। इस पूरे पढ़ाई का श्रेय आप किसको देंगे, इतना अच्छा अंक आपको मिला इसके लिए किसको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे टीचर्स को, अपनी फैमिली को और अपने सारे दोस्तों को भी इसका श्रेय देना चाहूँगा। सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन रहा, सबसे ज़्यादा अंक किस सब्जेक्ट में आपका? सबसे ज़्यादा अंक मैंने मैथ्स में स्कोर किया और वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि सारे मुझे यहाँ पे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जैसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैं उनसे पर्सनली भी जाके पूछ सकता था। जी, मैं प्रखर आनंद सिंह, SS पब्लिक स्कूल में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं अभी। जी, वाराणसी में मेरे समय से टॉप 5 में हमारा स्कूल, जो कि वाणिज्य विभाग में हम लोग का बच्चे ने टॉप किया है, शायद टॉप 3 में होगी। हमारी दो बच्चे हैं वाणिज्य विभाग में, एक अनुराग मिश्रा और एक श्रेया सोनी, जिन्होंने 97.8% पाया है। और 10वीं में हमारे बच्चे तुषार रघुवंशी ने 98.2% स्कोर किया है, जो कि मेरे ख्याल से स्टेट के टॉपरों के लिस्ट में शामिल होगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हमारे बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के हैं, तो स्कूली शिक्षा के अलावा उनके पास शिक्षा का और कोई साधन उतना उपलब्ध नहीं जितना शहरी परिवेश के बच्चों के पास होता है। तो स्कूल में बच्चों की एक तो शिक्षा, ऊपर से शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए स्पोर्ट्स एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी हम लोगों ने अच्छा किया, और ना ही शारीरिक विकास, जबकि एक काउंसलर हमारे स्कूल में जितना भी स्कूल ड्यूरेशन में काउंसलर एक उपलब्ध है, जिससे बच्चों का जो भी बच्चों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला था परीक्षा पे चर्चा की, मानसिक तनाव से निजात पाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमारे स्कूल में काउंसलर उपलब्ध हैं। संदेश मेरा यही है कि हमारे ही नहीं बल्कि बनारस और देश के सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई 10वीं और 12वीं के परिणाम पे, और आपका मार्क्स अच्छा आया हो ना आया हो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आगे की जीवन बहुत लंबा है, लड़ाइयाँ बहुत हैं, और आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। मार्क्स अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, आप आगे और मेहनत कीजिए, अच्छा आया तो आप उससे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत फील करिए, आप ज़मीन पर रहिए, आप हम्बल रहिए और आगे और मेहनत करिए।